नमस्ते। आप सभी जानते हो महाभारत क्या है। महाभारत की कई घटनाओं को आपने कथा के रूप में पढ़ा होगा। उसमें आपने युद्ध, कृष्ण, अर्जुन जैसी बहुत सारे कथानकों को आपने जाना भी होगा। प्रस्तुत पद्य में जो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखी हुई है, जिसका नाम है अंधा युग, इसमें उस समय की बात बताई है जो समय होता है युद्ध के बाद का। युद्ध के बाद की उस रणांगन में होने वाली स्थिति, उसके बाद जो योद्धा होते, योद्धाओं के मन की स्थिति, और उसके बाद में उन्होंने जीती हुई जो महत्वाकांक्षा उस युद्ध में उन्होंने प्राप्त की है, उसके फल स्वरूप उनमें क्या बदलाव आए हैं और उन्होंने क्या पाया है, इसके बारे में का विवेचन इस अंधा युग इस काव्य पंक्ति में हमें बताया गया है। यह कोई काव्य नहीं है, यह काव्य स्वरूप में एक गीत नाट्य बताया हुआ है। जिस गीत नाट्य में कोई चार पात्र है, जैसे अश्वत्थामा, वृद्ध व्यक्ति और युधिष्ठिर, इन्होंने युद्ध के बाद की स्थिति में जो पाया, जो खोया, उसके बारे में चर्चा की है। इस गीत नाट्य में जो प्रसंग लिया हुआ है, वह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर चुके हैं, और उस यात्रा को समाप्त करने के बाद उनके एक वृद्ध आदमी ने सारी उपस्थित समुदाय को बताने की कोशिश की है। उनमें श्री कृष्ण ने बताया है कि अब सारा जीवन आप सभी मानव जाति के ऊपर मैं निर्भर करके जा रहा हूँ, जिसमें आप ही अपने जीवन को सुधार सकते हो या बिगाड़ सकते हो। सभी इंसानों में दी हुई ममत्व, प्यार, निर्भयता जैसी भावनाओं के तौर पर आप अपने आप को इस जीवन में ऊंचा कर सकते हो या उस जीवन को नष्ट कर सकते हो। इस भावना को डॉक्टर भारती जी ने अपने पद्य में हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भारती लिखित अंधा युग, यह गीत नाट्य की कुछ पंक्तियां।